हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के लिए जो भी अपडेट्स लेकर आते हैं 100% रियल जानकारी के साथ में आपको बताते हैं। तो हरियाणा में कहां कहां पर जो न्यू भर्ती आ रखी है उसके बारे में आपको फुल इन्फॉर्मेशन देंगे, फुल नोटिफिकेशन देंगे। तो भाई और बहनों, हरियाणा से जो भी भाई और बहन इस वीडियो को सुन पा रहे हैं तो पूरी वीडियो देख कर जाना, और चैनल पर आज जो भी नया है, पहली बार इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, उन सबको मैं बताना चाहूंगा 100% रियल जानकारी। हरियाणा में कोई भी किसी भी गांव के अंदर जॉब्स आती है तो सबसे पहले आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आज के हमारा वीडियो कह रहने वाला है कि हरियाणा में कहां कहां पर तो जॉब आ रखी है। पंप ऑपरेटर के कुछ पदों पर जॉब आई है। हरियाणा के अंदर केवल 10वीं पास होना चाहिए। एक पंप ऑपरेटर था, लोकल ऑपरेटर की भर्ती वो अलग थी और ये वाली अलग रहने वाली है। सरकारी स्कूल के अंदर मेरी बहनों के लिए टीचर्स की जॉब आ रखी है। कौन से टीचर्स की जॉब है वो भी आपको बताएंगे। हरियाणा से अगर मेरी बहन को इस वीडियो को सुन पा रही है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज लेकर आया, बहुत ही अच्छी जॉब रहने वाली है। तो एक बार आपको फुल इंफॉर्मेशन दूंगा, फुल नोटिफिकेशन दूंगा, और आज का ही आपके पास में टाइम है। जो भी टीचर लगना चाह रही है मेरी बहन, तो आपको जाके इंटरव्यू देना पड़ेगा। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू बेस पर सिलेक्शन होगा। कौन से टीचर्स की जॉब आ रखी है, कहां पर आ रखी है, एक बार आपको फुल इंफॉर्मेशन दिखाते हैं, बताते हैं। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे, ओके। मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, मैं बात करने वाला हूं कि आप सभी के सामने दिख रहा होगा कि पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदया विद्यालय गुशकाणी जिला रोहतक हरियाणा के अंदर है। आपको पता है जो जवाहर नवोदया विद्यालय है उसके अंदर रोहतक के अंदर जॉब आ रही है। पीईटी महिला के पदों पर साक्षरता आपको मांगी गई है कि अगर कोई मेरी बहन फिजिकल एजुकेशन टीचर में लगना चाह रही है, महिला की पोस्ट रहने वाली है। 2023-24 के लिए पीएम श्री स्कूल जवाहर नवोदया विद्यालय गुशकाणी जिला रोहतक हरियाणा में अनुबंध आधार पर पीईटी महिला की भर्ती की जानी है। इस हेतु विद्यालय के दिनांक 3 नवंबर सुबह के 10 बजे से 1 बजे में अपने योजना के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स को लेकर जाएं, और जो भी योग्य इच्छुक अभ्यर्थी होंगे तिथि को मूल अपने दस्तावेजों के साथ में 2 छायावर्ती स्वयं साथ में लाएं, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी 2 फोटोकॉपी आपको ले जानी पड़ेंगे, 2 पासपोर्ट साइज की फोटो आपको वहां पर लेकर जानी है। पद की योग्यता और पात्रता, अधिक जानकारी के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का ये रहने वाला है, इस पर भी आप जाके देख सकते हैं। जिसने भी बीपीएड वगैरह कर रखी है, मेरी बहन काफी ऐसे होते हैं जो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स लगना चाह रही है, जिसका फिजिकल अच्छा है, खेलने में इच्छुक रखती है। अगर फिजिकल टीचर आप लगना चाह रही है, जिसको पीटीआई भी हम बोल सकते हैं, तो मेरी बहन कोई भी जाके गुशकाणी के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय उसमें पोस्ट आ रखी है, महिला की पोस्ट है। तो अगर आप कोई इच्छुक उम्मीदवार है तो बिल्कुल आराम से वहां पर जॉब कर सकती है। डायरेक्ट आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, कल सुबह आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, आपको मैं बताना चाहूंगा, 3 तारीख आज के ही दिन आपका इंटरव्यू होने वाला है। सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक आपका इंटरव्यू चलेगा। तो जिस जिसके पास में ये नोटिफिकेशन पहुंचा है, सभी बहनें वहां पर पहुंचिए। अगर आपके कोई कॉन्टेक्ट में ऐसी कोई सिस्टर है जिसके बारे में आप जानते हैं कि उसका फिजिकल अच्छा है, फिजिकल से उसने पढ़ाई की है, तो उसको आप भेज सकते हैं। वहां पर आप उसको डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से वहां पर सिलेक्शन होगा, और आराम से वहां पर उसको नॉलेज आपके साथ में जो भी होगा वो इंटरव्यू के साथ में वहां पर आपको अच्छी खासी एक जॉब मिल जाएगी। नवोदया विद्यालय आपको पता है एक अच्छा खासा स्कूल रहता है अपने, वहां पर तो अच्छे से वहां पर जॉब मिल रही है, सरकारी जॉब रहने वाली है, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब रहेगी परंतु। तो मेरी बहन कोई भी लगना चाह रही है तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये डाल रखी है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। दूसरी भर्ती मैं आपको बताना चाहूंगा, एक और भर्ती आ रखी है, वो कौन सी रहेगी, वो भर्ती आप सभी के सामने ये वाली रहने वाली है, ग्राम पंचायत खुड्डा कला के अंदर ब्लॉक 2 अंबाला में आ रखी है। अगर मेरा भाई कोई अंबाला जिलों से बिलोंग करता है, मेरी बहनों के लिए तो मैंने अच्छी खबर आप सभी को सुबह सुबह दे दी गई है। दूसरी खबर रहने वाली है अंबाला जिलों मेरे भाइयों के लिए। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत खुड्डा कला में ट्यूबवेल ऑपरेटर के पदों पर भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार वीडियो ब्लॉक के अंदर दफ्तर अंबाला 2 में दिनांक 2 नवंबर 2023 तक आवेदन भर सकता है। ये 2 तारीख आज का अपडेट था, परंतु मेरा भाई और मेरी बहनों को मैं बताना चाहूंगा ये अपडेट 5 तारीख तक हो चुका है। 5 तारीख तक जो आप फॉर्म अप्लाई करना चाहेगा वो अपना अप्लाई कर सकता है। वीडियो ब्लॉक के अंदर दफ्तर अंबाला 2 में आपको जाके वहां पर जमा करवाना पड़ेगा। योग्यता आपकी 10वीं पास हो है, और जिसके अंदर आपको परिवार पहचान पत्र का फोटो कॉपी ले जाना है, स्थायी निवासी आपके डोमोसाइल चल जाएंगे, आधार कार्ड की फोटो कॉपी ले जाके बिल्कुल आराम से आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये ग्राम पंचायत के तहत ये जॉब रहने वाली है, वीडियो ब्लॉक में भर्ती होगी। तो जो भी
इच्छुक उम्मीदवार है कूडा कला गांव के अंदर अंबाला, वहां पर अंबाला जिले में जो भी गांव है कूडा कला, वहां पर दो पोस्टों के ऊपर ये जॉब आ रखी है। तो दो पदों के ऊपर ये कूडा कला में पंप ऑपरेटर की जॉब रहेगी, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर। ट्यूबवेल ऑपरेटर जो आपके गाँव के अंदर जो नल ट्यूब होते हैं, जिनकी मोटर वगैरह ऑन ऑफ करते हैं, उनको ये बोलते हैं। तो भाई गुरु बहनों, आपके लिए अच्छी खासी जॉब रहने वाली है। इनकी भी सैलरी मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग इनकी 12 से 18 हजार रुपए सैलरी आती है हरियाणा में, और एक अच्छी खासी जॉब मिल जाती है। जो कम पढ़े लिखे मेरे भाई गुरु बहन है, जिनको अपने गांव में रहकर ही काम करना है, तो वो जाके अपना डॉक्यूमेंट जमा करवाई और एक अच्छी खासी जॉब वहां पर मिल सकती है। हरियाणा के आपके गांव के अंदर कोई पंचायत विभाग में जॉब आती है, सरकारी स्कूलों के अंदर जॉब आती है, बीडीओ ब्लॉक के अंदर कोई जॉब आती है, जो भी पशु हॉस्पिटलों के अंदर जॉब आती रहती है इस टाइप से। तो अगर आपको कंटिन्यू जो भी जॉब आएंगे, कंटिन्यू आपको अपडेट चाहिए, तो जो भी मेरे भाई गुरु बहन आज हमारे चैनल पर पहली बार, अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले हर एक अपडेट मिलेंगे, हर एक जानकारी मिलेगी। तो भाई गुरु बहनों, अगर आपको कोई ऐसा डाउट है, जिस भी डाउट का कोई भी आपको समाधान नहीं मिला, तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ में आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम का फॉर्म भरते हैं, उसका बार बार से फॉर्म भर रहे हैं, और आपको अभी तक कोई ऐसी भर्ती है जिसके बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है, मेरा कहने का मतलब है कि फॉर्म तो आपने भर दिया, उसके बाद में नहीं कोई आपको ऑफर लेटर मिला है, नहीं कोई जानकारी मिली है, ऐसी कोई भर्ती है तो एक बार मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जो भी आपका डाउट रहेगा, जो भी आपका इशू है, उसके बारे में आपको जरूर बताएंगे। अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं मेरे भाई और मेरी बहने, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकती है, और आने वाले हर एक अपडेट मिलेंगे। और मेरी बहनों के लिए 9000 पदों पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम में भर्ती आ रही है, आप सभी को यादें होंगे, और जो भी भर्ती आएंगी कंटिन्यू आपके साथ में शेयर करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्यारा सा कमेंट कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक डाल रखा है, आने वाले हर एक अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो भाई गुरु बहनों, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।